इंतजार किया बच के चाल शुरू किया इंकलाब इनके खिलाफ अब तो पहन पाऊं गेंदे का हार झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साथ पर्दा उठा देख मेरी आंख जलन से नहीं जलती ये आग मुट्ठी बंद रख सर में ठंड रख अब दिखाऊं जन्नत का रक्षक भटकता रहा जैसे नदी संस्कार कोई फेंकता है पैसा कोई लेता उधार अंत में तो सबका हुआ दाह संस्कार और अंत में तो सब गए ताबूत बाजार गले में टार मुंह में धुआं मान ली हार आसमां को छुआ पुराना समाचार मुझे चाहिए दुआ क्या मैं पाऊंगा इस क्रांति में शांति क्रांति तो होगी जब शांति तो मिलेगी तब बुरा वक्त है रुकता कब हाँ भाई किसकी बढ़िया सब गुंडे तो आ गया पर इज्जत कब आ गया कंट्रोवर्सी किसकी और व्यूज कौन दबा गया सपना हो यूट्यूब तो है मेरे लिए पाप ये मेरे लिए ड्यूटी तो उनके लिए श्राप है नाम सुने ऋषु तो ये सारे डर से कांपे किक कर देता हूँ मैं बॉल सारे शॉट एम्बाप्पे बचपन से ही चौकीदार रात को जाके करते काम हार को बेचना पसंद नहीं है लगता नहीं है इसका दाम स्ट्रीम हो जाती मेरी बगैर सुट्टे और शिवास के यूट्यूब से ओके ऑल राइट वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस कैसे हो भाई कैसे हो भाई वेलकम 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 टू द स्ट्रीम भाई बड़े हो अथर्व GM 12 ओ नहीं भाई ये 3 दिन पहले का भाई तो ओके लेट्स प्ले 15 मिनट्स ऑफ गेम एक मिनट इधर रख लेते हैं इसको क्या जा रहा है इधर रखने में कुछ जा रहा है चाहता क्या है तू तेरी शख्सियत क्या है ला 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 भाई गानों लगा दे के गानों लगा दे के भाई गानों लगा देते हैं गानों मेरा फेस इतना येलो येलो क्यों आता है बहन जो अभी अभी देख रहा हूँ येलो नहीं है इसमें येलो दिख रहा है व्हाई द फक दिस इज हैपनिंग है व्हाई द फक दिस इज हैपनिंग सेट गलत मूव चल दिया मैंने ये तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा
भीड़ में खोया रहता है, पूछो तो इतना कहता है। पर पर रा 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 कैसलिंग करोगे? कैसलिंग करोगे? हैं कैसलिंग करोगे? चलो चले मितवा इन खट्टी मीठी राहों पे, ए ए भाई, गाने लगा देंगे, गाने हैं, गाने लगा देंगे। यू वाना किल मी? ओके ओके इधर चल नहीं सकते, इधर भी नहीं चल नहीं सकते,
इधर नीचे सकते हैं, इसको मार ही सकते हैं बस। मार दिया भाई। रे लूट लिया हमने तो, लूट लिया जिन वालों ने। ब्लॉक्ड है तो तेल तो लिया, तेल अरे बहन चो क्या चल दिया इसने। अच्छा पावन बढ़ा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है भाई, ठीक है भाई, पॉन बढ़ा दिया तो। पेट भरा भरा सा लग रहा है आज। एक गिलास जूस पी लिया मैंने, एक गिलास जूस पी लिया मैंने, एक गिलास मैंने जूस पी लिया, मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। एक गिलास मैंने जूस पी लिया और बस बिट्टू नहीं खाया। चालीस वाला भैया, 40 वाला। ला 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 अरे शेट शेट शेट,
क्या टाइम क्या हुआ है? हेलो बीरो, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। मिस्टर पैट बैट बटे मैन, बटे मैन है क्या? बटे मैन है या बैटमैन है? इतनी देर बाद एक मैसेज आया भाई, आई थिंक ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद। हे। नॉट अ गुड मूड, मूड कह रहा हूँ, मूव नॉट अ गुड मूव। ये क्या है? पैट्रिक बैटमैन, बैटमैन। तो बैटमैन में ई कब से आने लग गया भाई? बैटमैन मूवी वाला, बैटमैन, बैटमैन मूवी वाला ना, कि कोई और, कोई और है ये? बैटमैन नहीं है, बैटमैन है, बैटमैन। कहाँ कहाँ से हो भाई आप? राजस्थान से? ओ वेलकम टू भाई, मैं दिल्ली से हूँ भाई। वेलकम टू दिल्ली वाली स्ट्रीम। ओ माखी छू बेटा, माखी छू। पास ही हूँ आपके। ओ हाँ, राजस्थान दिल्ली में डिफरेंस कितना ही है? ज़्यादा 400, 600? कितनी दूर है यहाँ से, दिल्ली से राजस्थान?
अमेरिकन साइको मूवी आई थी 2001 में शायद, उसके प्रोटैगनिस्ट का नाम है पैट्रिक बेटमैन। ओ नहीं भाई, मैंने नहीं देखी भाई। क्या रेटिंग क्या है उसकी, IMDb रेटिंग क्या है उसकी? ये कितना टाइम लगा रहा है चलने में ये साले। इसके पास क्वीन मतलब सब सारे पीसेस अप में है ये, तभी भी इतना टाइम लगा रहा है। मेरे पास पॉन है बस, और एक बिशप है, एक रूक है बस। दिल्ली मुझसे कुछ 400 किलोमीटर दूर है। ओ बढ़िया भाई, फिर तो चार सौ किलोमीटर तो पास में है यार ये तो। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे मैक्स टू मैक्स या 2.5 घंटे। मेरे को सीटी बजानी भी नहीं आती भाई, क्या ही लीचड़ इंसान हूँ मैं अभी, बताओ। एटलीस्ट सीटी बजानी तो आनी चाहिए भाई, है ना। IMDb 7.6। ओ हाँ, फिर तो ऑलमोस्ट सही होगी। अबाउट 7 वाली तो मतलब मैं प्रेफर ही करता देखना। क्या किया भाई इसने? सीटी मुझसे भी नहीं बसती, अच्छी मूवी है। ओ अच्छी है, फिर तो देखिएगा भाई। आप कौन से जनरे ज़्यादा पसंद करते हो? मैं तो एक्शन एक्शन ज़्यादा पसंद है मेरे को तो। एक्शन ज़्यादा पसंद है मुझे। ब्लंडर कर दिया किसने? अरे यार, शिट 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 शिट,
मुझे लगा मैंने ब्लंडर कर दिया। ऑल द ब्लंडर्स तो मैंने बहुत सारी की होंगी भाई। ला 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 मुझको तो लूट लिया दिल के चैन वालों ने। ला 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 क्या चला? अच्छा ये चला इसमें। ये 15 मिनट कुछ ज़्यादा हो गया, इस बार 10-10 मिनट खिलाऊंगा यार। इसका एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिल गया भाई? एक्स्ट्रा टाइम ओके। 1 मिनट क्या चला इसने? भाई भाई आई थिंक मैं जीत जाऊंगा ये वाला गेम। आई थिंक
अबे यार यार बहनचो, 1 मिनट हो गया इसको। यार कहाँ इसको सेकंड्स पे लेके आ गया था मैं। और क्या खटम छः ब्लंडर 4 मिस्टेक। ओ क्या टाइम हुआ है? ओ आकाश कुमार, डस्ट को हम डस्ट में मिलाने के लिए आ गए हैं भाई। ओ सैल्मन फिश।
लूट लिया लूट लिया लूट लिया हमको तो लूट लिया। पापा 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 पर रा 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 रे जा। अरे यार शिट, मैंने देखा ही नहीं वाला। यही तो बलंडर है, यही तो बलंडर है, यही तो बलंडर है। एक मिनट एक मिनट, चैट क्यों नहीं आ रही भाई मेरी? एक मिनट। भाई नॉर्मल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी डाला करो। ओह सॉरी, अब आ रही चैट। शॉर्ट्स का तुम्हें बताया ही था। ओह थैंक यू भाई, हाँ बताया था भाई तुमने। रुको थ्रेटन करो। को कैसे ट्रीटमेंट होगा भाई? इसको तो ऑलरेडी, इसको मारूंगा तो फायदा नहीं, तो ये अपनी बिशप से मार देगा भाई मेरे को। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है बस। आई थिंक ये है सब। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मतलब इन द सेंस कि कैसे, चेस वाली या डिफरेंट वाली बोल रहा है? मैंने एडिट कर रखी है। आई थिंक 1 मिनट डाली थी, उस पर व्यूज़ ही नहीं आए। आई थिंक कितने, पता नहीं कितने व्यूज़ आए थे। मैंने मीम्स रिव्यू किया था शायद, उसका डाला था मैंने, तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आए। फिर मैं उसको मतलब आई थिंक 8 या 9 घंटे लगे थे मेरे को उसको एडिट करने में, तो उस पर फिर व्यूज़ ही नहीं आए भाई। चेस वाली और दूसरी भी कर सकते हो साथ में अल्टरनेट करके, एक गेमिंग और एक मीम वाली। हाँ मीम वाली तो मेरे पास पड़ी हुई है बहुत सारी, मतलब वो ओल्ड स्ट्रीम्स, तो उनको मैं एडिट करके डाल सकता हूँ मैं। चेस में जैसे कि कैरो कैन डिफेंस, कैलन डिफेंस और ऐसे करके सब पर वीडियो डाल दो। कैरो कैन डिफेंस क्या मेरे को खुद बनानी पड़ेगी क्या वो? ये मेरे को ना चेस के बारे में इतना पता नहीं है भाई,
ये कैरोकैन डिफेंस, ये डिफेंस, वो डिफेंस। लोग सर्च में ज़्यादातर थोड़े मूव्स में मेट करने की वीडियो ज़्यादा। अच्छा हाँ, ये तो सही कह रहा है, किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। एंड चेस इज ऑल अबाउट लर्निंग, तो वही देख देख के मूव करेंगे वो। शॉर्ट्स में जैसे मेट इन 6 मूव्स या फिर मेट इन 10 मूव्स ऐसे करके, तो वो तो खुद ही खेल के डालना पड़ेगा ना भाई वो तो। और चेस्ट में सीरीज, सीरीज ऐसे मतलब, सीरीज नहीं समझा भाई मैं। बेसिक से चेस खेलना सीखो, सीरीज तो नहीं समझा भाई मैं। सीरीज मतलब पहले चेस खेलना सीखो, फिर उसके वेज टू ओपनिंग और एंडिंग पर वीडियोस। ओ हाउ टू मेट अगेंस्ट 2 रुक विथ 1। मैं शॉर्ट्स वाला स्टार्ट कर रहा था, मेरे पास आई थिंक कितनी 26 से 27 स्ट्रीम की वीडियोस तो पड़ी हुई हैं, तो उसमें से स्ट्रीम ऐसे उठा उठा के डाल सकता हूँ मैं। कौन गया ना मेरा, ये कारू ऐसे ही करता है। तुम चेस गेम तो खेलते ही हो, उसमें बहुत बार कुछ यूनिक हो उस अपने। ओ रुक C8, सी भाई कौन सा मूव बता रहा भाई। हाँ
ये भी कह सकते थे, सही कह रहा है। क्वीन टू पॉन के पीछे अबे यार क्या ही करता हूँ मैं यार, इसके नाइट को मार सकता था आराम से। अरे टाइम भी है मेरे पास, सेट
अरे यार रिजाइन क्यों कर दिया साले ने? बाहुबली के आगे कोई बोल सकते है क्या? अबे स्ट्रीम पे एक भी लाइक नहीं किया भाई। हे। ओनली 12 व्यूज। क्वीन को पॉन के पीछे ले जाओ। क्वीन को पॉन के पीछे तो ले ही जाएंगे भाई हम। नाइस मूव। सैलमन फिश, सैलमन फिश, सैलमन भाई के पीछे हो। एक्टिनेटर नहीं, बचाओ भाई, बचाओ बचाओ। नाइट बी लाइक बचाओ बचाओ, पॉन बी लाइक अब हम तुमको मार देगा रे, अपनी इज्जत हमको दे दे बाबा। ज्यादा आगे ना बढ़ रोजू है, आगे ना बढ़ रोजू ज्यादा। मोड़ा मोड़ा तू ज्यादा आगे ना बढ़ रो। किंग फायर XD। हाय हाय हाय, कैसे है ब्रो? कैसे है ब्रो, कैसे है? अबे अबे नाइट को उसके नाइट के नीचे फिर क्वीन से चेक। नहीं अब तो नहीं हो सकता भाई, अब तो नहीं हो सकता। मे बी नाइट को उसके नाइट नीचे। अब तो दे दिया चेक। अरे यार क्वीन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी क्या? मैं नहीं चाहता यार अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करना। माई क्वीन इज सो प्रीशियस ब्रो, आई थिंक कर लेगा ये सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करेगा चूतिया साला। यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इससे।
अरे क्वीन सेक्रीफाइस नहीं भाई, मैंने उसको उसको दे दिया। रमे चू पेन चू क्या ही चू दिया हूँ मैं भी, बांट दी भाई मैंने। ऐसे देख के आ रहे, भंडारे में पूरी सब्जी बांट के आ रहा, ऐसे देख आ रहा हूँ मैं। 1 मिनट चेक। अच्छो ला 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 ला, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। नहीं, इतनी पड़ रहने दो। अरे शिट शिट, ये तो हैंगिंग है। गाइस कोई बताएगा मैं अपने नाइट को कैसे बचाई भाई, मेरा नाइट तो फंसा ही हुए रे बाबा। वाइट S7 पॉन को चलो आगे, H7 पॉन को। कर दिया भाई मैंने, हक दिया। अरे क्या करता हूँ भेंचो मैं भी। अच्छा खासा इसके पी नाइट को मार सकता था भेंचो, क्या ही ब्लंडर कर रहा हूँ भेंचो मैं भी चूतिया। कसम से सच में चूतिया और मैं। अरे ये क्यों चलती है? सही है वही 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 वही। मैं भाई बहुत आता हूँ भाई नाइट को मार के बिशप को। हाँ नाइट को तो मार सकता हूँ मैं, पर इस पे चेक आ गया ना, चेक आ गया ना चेक।
मैं ऐसे ब्लंडर करता हूँ भाई बहुत। मैं अच्छे खासे उस टाइम वो उसके नाइट को मार सकता था अभी, फ्री फ्री में मार सकता था उसको। बस मैंने एक चूतियापा किया। अच्छी खासी ये मूवी चल सकते हैं क्या? एन पासाटे क्या बोलते हैं उसको, एन पसंते। बैक ऑनलाइन रुक को ब्लैक बिशप के पास, फिर वाइट रुक के नीचे, रुक को ब्लैक बिशप के पास। अरे वही 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 यार, इसी टाइप के ब्लंडर होते हैं भाई मेरे साथ। हक दिया भाई मैंने तो। जियो और मेरी इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं है भाई। पॉन प्रमोशन करो अभी, दे दे रहे। वही ऑप्शन है भाई, पर प्रमोशन भी सही ढंग से नहीं हो पाएंगे भाई।
नोटी हो रहा भाई, भाई छोरा छोरा भाई गड़ा मु नोटी हो रहा भाई। अरे यार क्या ही यार, कत्लेआम हो गया भाई, कत्लेआम। अरे भाई चेक देना था ना, चेक कहाँ से देते भाई। चेक कैसे दे सकते हैं भाई बिशप से? अच्छा वाइट वन ऑन टाइम। +33 -8 मेरे साथ खेलोगे? हाँ भाई आजा, भेज दे रिक्वेस्ट। एक मिनट, मैंने अपनी आईडी तो लिखी नहीं, एक मिनट मैं अपनी आईडी भेजता हूँ इधर। मैंने ना मैसेज पिन कर दिया, ये मेरी आईडी।
भेज रहा है क्या? कहाँ भेजा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो नॉइस सप्रेशन ऑन करने लग गया था। अगर भेजा होगा तो मे बी मिस हो गया होगा। दोबारा भेज दे। कुछ पॉपअप साउंड तो हुआ था अभी। दोबारा भेज दे दोबारा। आई थिंक रिपोर्ट और ब्लॉक। नहीं, नमन मालवा भाई आराम से खेले भाई। अच्छा ये तू ही है क्या? गट्टू 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 गट्टू। बस भाई कितना बैकफुट ले जाएगा भाई। ओ लूज -10। वाह ओ क्या चला इसमें? कौन का मूव किया गया? अरे
क्या ही यार, क्या ही सैक्रिफाइस किया मैंने, गंदा वाला सेट। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं। अच्छा, इसको नहीं हटा सकता मैं, इसको भी नहीं हटा सकता मैं। लो 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 क्या सोचे थे हम और क्या हो गए, क्या सोचे थे हम और क्या हो गए। जिंदगी में हम ऐसा हो गए, जिंदगी में हम ऐसा जिंदगी में हम ऐसा हो गए। कि छीछा लादर कर दिए, कि फॉक बना लिया भाई, फॉक बना लिया भाई, फॉक बना लिया भाई। क्या बात कर रहा है, लड़के ने फॉक बना लिया भाई। ओके, वाइट पीस। दिस वन इज गुड।
क्या हुआ क्या हुआ? मैं सोचा था केमिस्ट्री क्लास से लौट के स्पाइडरमैन 3 देख रहा था, इसलिए लेट हो गया आने में। अरे नो प्रॉब्लम भाई, मूवी देख भाई। स्पाइडरमैन कौन सी वाली? स्पाइडरमैन 3 अभी ये कब आई है? ये कब आई स्पाइडरमैन 3? अच्छा 2005 वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। और कैसा आ गया दिन? मेरा तो भाई मस्त सेक्सी। बस अभी तक स्ट्रीम पे एक भी लाइक नहीं है। अब तू आ गया, शायद तू कर देगा। अरे -20 सेकेंड लेट चल रही है भाई। अरे यहाँ चल नहीं सकता। ठीक है यहाँ चल सकता हूँ मैं। ये मैं कैमरे के आउट क्यों जा रहा हूँ धीरे धीरे? अरे यार शिट शिट गया। बेचारा मेरा रुक। अरे क्या स्टेलमेट करेगा क्या ये? हाँ भाई है ना, वो पहाड़ के नीचे। टाइटिस वाली मूवी देखी 1 महीना पहले बोल था। अरे नहीं मूवी आ गई क्या उसकी? सॉरी सॉरी भाई नहीं, मैंने देखी 1 महीना हो गया। वेंचू तेरे को बोलो भाई, क्या बात कर रहा है वेंचू? मेरे को 1 महीना हो गया अच्छा स्ट्रीम करते हुए। अरे हाँ यार मैसेज में लिंक भी भेजी थी, चेक करो। हाँ हाँ वो लिंक तो याद है भाई मुझे, लिंक तो याद है भाई मुझे।
अरे यार, अरे यार, दो बिशप एक क्वीन। और वो हिंदी ऑडियो में भी है। अच्छा, नहीं, मैं इंग्लिश में देख लेता भाई। समझ में आती है भाई मुझे इंग्लिश। एक मिनट, मने समझ आवे छे, हिंदी मने समझ आवे छे। ये मार देगा। तीस मिनट पहले अपलोड की। सॉरी, आई मीन मिस्टर बीस की न्यू वीडियो। कौन सी वाली न्यू वीडियो? सॉरी, टाइटल 7 days ऑन एन एम्प्टी आइलैंड। अच्छा, नहीं, मैंने देखी भाई। अच्छा, आधा घंटे पहले अपलोड हुई है ना वो तो। अबे, मेरा टाइम चल रहा है क्या? एक साथ देखें फिर। एक साथ कैसे देगा भाई? कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा भाई। मैं भाई मेरे वो, अगर लाइव स्ट्रीम पे देखूंगा तो मैं गोल्ड फाड़ देगा वो। गोल्ड मेरी, गोल्ड फाड़ दो वो। अरे, टाइम क्या मेरा? ये मैं लास्ट गेम भी टाइम किया, उस पे हारा था। ये वाला भी हारूंगा मैं। कल भी तो हम एक साथ देख रहे थे। कल मिस्टर बीस की कौन सी वीडियो देखी थी भाई हमने? कल तो नहीं देखी थी भाई मिस्टर बीस की तो। ओ, मिस्टर बीस की नहीं, पर आज ही बकेट लिस्ट की। अरे, आज ही बकेट लिस्ट की अलग है भाई। उसकी तो बहुत सारे ने वो बना रखी है, रिएक्शन वीडियो। मिस्टर बीस की तो मैंने रिएक्शन वीडियो एक भी नहीं देखी भाई यूट्यूब पे तो। मतलब उसकी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो तो, हाँ, आरजी बकेट लिस्ट पे तो देख रखी है। बहुत सारी मिल जाएंगी तेरे यूट्यूब पे, पर मिस्टर बीस्ट की तो रिएक्शन वीडियो नहीं मिलेगी भाई।
हाँ अगर बिल्कुल छोटे स्क्रीन पे करके खुद को बड़ा उस कैमरा दिखा करके वैसे कर रखे हो तो वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर जो जैसे रिएक्ट करते ना वैसी वाली वीडियो नहीं हो रखी उसकी। आई थिंक वो कॉपीराइट स्ट्राइक ही मारता हुआ डायरेक्ट। क्या क्या अरे गुड गेम भाई, गुड गेम। अच्छा, तू खेल रहा था क्या मेरे साथ? अरे यार मैं तो भूल ही गया मैं तेरे साथ खेल रहा था यार। मिथ पैट उसके सेकंड चैनल में मिस्टर बीस्ट की है ये तो करता है भाई रिएक्ट नहीं इसके। उसने उसने वॉइस ओवर कर रखा है उसका, और उस उसने प्रॉपर परमिशन के साथ किया हुआ है भाई। और वो मिथ पैट भाई बड़ा क्रिएटर है भाई, तो पूरा कोलाब्रेशन टाइप होता है उनका। तूने एक वीडियो भी देखी होगी शायद इंस्टाग्राम पे, देखा मैं इंस्टाग्राम पे देखा था उसका। एक मिस किया मैंने, कहाँ पे मिस किया वेंचुद मैंने? कोई नहीं ये रहा एक मिस। रिमूव दैट मिस टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी और चांस टू पनिश द अपोनेंट। ओके बेस्ट क्या होता? E4 ये क्यों चला भाई मैंने? अच्छा इसने मिस किया, सॉरी सॉरी मेरे को मेरे में दिखा रहा है मिस। मेरे को लगा भाई मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी भाई। एक तो खेलना आता नहीं वेंचर, ऊपर से मैं भी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ बहुत ही ब्लंडर करता हूँ भाई मैं। अच्छा मूव दिख रहा होता है भाई मेरे को सामने, पर फिर भी मैं चल देता हूँ पता नहीं क्यों। मेरे को पता होता है कि गलत है मूव। और कोई खेलेगा क्या? और कोई खेल बो खेल बो खेले क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में क्या बोलते हैं? क्या टाइम हो गया? ओ आई थिंक अभी टाइम क्यों तो दिख रहा है। भाई ठीक है तेरे लाख में ऑल्ट ओके 10। ओके ओके वाना प्ले अच्छा मेरा ही है। जानती नहीं मैं, अरे सॉन्ग्स किधर गया? हाँ ये रहा मैथो की लास्ट वीडियो, देखो तो जानोगे। मैथो मतलब मिथपैट की पता नहीं मैं लास्ट सॉरी मेरा मूव है ना। अरे जिधर देखता हूँ मेरे को तो फूल ही फूल दिखते। जी
उसका सर की चैनल ये पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी तो उसने एक प्रॉपर डाल रखी थी, उसने परमिशन ली है ये सब वो सब, और दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, उसने मतलब उसको अलाउ किया है कि हिंदी में इंडियन वर्जन में। बाकी तो एक्चुअली मुझे नहीं पता, देखूंगा तो पता चलेगा। एक सजेस्ट करूंगा। ओके भाई बताओ भाई, शूट इट ब्रो, शूट इट। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो कम्मोजी, तुम कैसी लड़की हो कम्मोजी, तुम कैसी लड़की हो कम्मोजी, दुनिया तो आई दे रे दस जा मैंने, दुनिया तो आई है तू दस जा, तेरे की लव दिया क्या जॉन कैसा लाइन दिया है प्रोजेक्ट ट्रॉट्स, भाई मैनू दस जा केड़ी दुनिया तू आई मैनू दस जा, मेरे दिल विच इक वारी बस जा नी, मेरे दिल विच इक वारी बस जा नी, केड़ी दुनिया तू आई मैनू दस जा, बण लहू मेरी अगां विच रच जा नी, बण लहू मेरी अगां विच रच जा नी, इक वारी मेरे दिल विच बस जा नी, इक वारी मेरे दिल विच बस जा। खत्म करने वाला, अरे ये छोटा है बड़ा यार, बड़ा छोटा गाना था यार ये वाला तो। जब तुमको देखता हूँ फूल ही फूल खिलते हैं। आप बोलती हैं तंबूक चला। अरे यार। फूलों की एक सुंदर सी पेनी बनाऊं और आपके जूड़े में लगा दूं। ओए होए, मेरे थैल भवर। तेरी याद कई बार आंदी है, तेरी याद तंग कर दी है मैनू सारी रात, तंग कर दी है मैनू सारी रात, कई बार आंदी है तेरी याद, कई बार आंदी तेरी याद, तंग कर दी है मैनू सारी रात, तंग कर दी है मैनू सारी रात, दस तैनू किद्दां भुल जावानी, दस तैथों किद्दां दूर जावानी, दस तैनू कित्थां दूर जावांगी, दस तैनू कित्थां दूर जावांगी। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया, अब कैसी लड़की है कम्मोजी, तुम्हें कैसी कम्मोजी, बड़ी चूते लड़की है भाई। तो आई तेनू दस जा कैन दुनिया तू आई मैनू दस जा, की लगदी है मैनू दस जा, दुनिया तो आई मैनू दस जा, तो आई मैनू दस जा, मेरे विच इक वारी बस जा, इक वारी मेरे दिल विच बस जा, इक वारी मेरे दिल।
दिल विच हस जा। खत्म। ये छोटा गाना यार पर मस्त गाना यार। क्या ही ब्लंडर कर रहे हैं भाई हम, क्या ही ब्लंडर कर रहे हैं। हगो भाई हगो। रंग फुलां दे वी खिल गए कुड़े, असी भूमि जदों मिल गए कुड़े, कुछ नहीं बचा भाई सब बर्बाद हो गया। कॉपीराइट तो नहीं आ रहा है इस पे। हो गया तेरे आंख ना आंख दा कुरे, रज तू प्यार हो गया। बिल बिल अख दा कुड़ी, जट नू प्यार हो गया। कल परसों से शायद नहीं आऊंगा, इंटरनेट मोबाइल यूज करने से मना किया है डॉग ने। अच्छा डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं क्या। मेरे को नहीं पता था भाई डॉक्टर इंटरनेट यूज करने से मना करते हैं भाई। और हाँ मोबाइल का तो मान सकते हैं, मोबाइल का तो मान सकते हैं। बिल बिल अखदा कुड़े जट दस साइकेट्रिस्ट। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई। हाँ भाई साइकेट्रिस्ट ने बोला फिर तो भाई नहीं करने का भाई, इंटरनेट से दूर रहो भाई। इंटरनेट इज अ बून एंड बैन आल्सो। वो पहले अपन लोगों को ऐसे लिखने नहीं बोलता ना इंटरनेट, वो फिर वो बून और बैन, बैन ही बोलते थे ना उसको शायद। हाँ बैन ही बोलते शायद। विल ऑटो रिजाइन ऑन 21 सेकंड। अरे ये तो पाकिस्तान का, अरे पाकिस्तान में इंटरनेट चला गया होगा भाई। डोंट वरी जस्ट सम माइनर स्टफ। ओ क्या बंदी छोड़ के भाग गई क्या भाई। मिलता मेरा नजर रही शराबे। ओ सॉरी 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 अबाउट एक मिनट शॉर्ट्स। हाँ ये रहा, बोर्ड हटा दिया, मी हटा दिया, अपोनेंट ये इसको छोटा कर देते भाई। और हम जाते हैं विंडो कैप्चर। दिख रहा है अब, दिख रहा है। क्या नाम था शॉर्ट्स का, जॉन कैसलाइन।
कैस्टलाइन DIY प्रोजेक्ट मे बी इज कौन सा वाला है इसमें, इसमें कौन सा वाला है, इसमें तो बहुत सारे हैं भाई। फार्ट स्प्रे प्रैंक गोन हॉरिबली रॉन्ग। इसमें कौन सा लगा रहा भाई तू, एक तो इसके चैनल पे जाकर के मिलेगी मे बी वीडियोस शॉर्ट्स। इसमें कौन सी वाली, वेयर वाल्डो ऑडियो बुक, दे आर फिक्सिंग ह्यूमैनिटी, हाउ इज दिस पॉसिबल, हु इज गोना बी द वन टू टेल देम। रोब वाली, अच्छा ये है क्या, 10 मिलियन व्यूज Don't be surprised if one day I just पेड़ प्लान। ओ डबल मीनिंग है भाई, तो डबल मीनिंग है, बिशप सैक्रिफाइस। सही है सही है सही है सही है। और कौन सी वीडियो बोल रहा था, शॉर्ट्स हो गया, माइथो मिथो की सेकंड। मिथो की सेकंड ये वाली क्या, हंड्रेड स्पाइडर उसे स्पाइडरमैन। हाँ भाई ये देखना, इसने प्रॉपर परमिशन ले रखी है भाई। एक मिनट, दैट एवरीबॉडी विल लव मी, ये दो दो वीडियो क्यों आ रखे भाई। ये क्या, निकल गया सभी, कभी ना मेरा आवाज अटक जाता है नाक के अंदर, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। हम लोग रिएक्ट करने वाले पता नहीं यार, मैं कुछ कह नहीं सकता यार, क्योंकि इसके इसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो मे बी इस पे ना करते हो भाई। और हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना। और मिथ पैट के तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है भाई, तो मैं भी नहीं मार सकता भाई। और इसके साथ कॉलैब भी हुआ था एक वीडियो में, तो मैं भी पता हो एक में दिखा था। ये देख, बड़ा क्रिएटर है तो इसके साथ नहीं होगा भाई, वो नहीं मारेगा वो। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, मिथ पैट कोलेबोरेशन विथ मिस्टर बीस्ट। हाँ ये रहा देख, ये देख देख, मिस्टर बीस्ट हिंदी डबिंग, इसके साथ इसका कोलैब हो रखा है, तो समझ सकता तू, नहीं मारेगा इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक, तो वही बता रहा हूँ भाई। मैंने मिस्टर बीस्ट के बारे में ये बोल रहे हैं क्या कि उसकी वीडियोस पे रिएक्शन वीडियो डालेंगे तो वो कॉपीराइट मार देगा। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता भाई वो, मतलब यही बात कर रहे हैं। या ये वे वाली शॉर्ट्स भी अच्छी हैं, शॉर्ट्स का टाइटल ये है, दैट डे एवरीबॉडी विल लव मी। ओ दैट डे एवरीबॉडी लव मी, हाँ हाँ
मतलब मैंने ये गीगा चैट वाला है क्या? व्हेन द डे कम्स एवरीबॉडी विल लव मी। हाँ ये तो है, ये तो है, ये भी डबल मीनिंग वाला है। नहीं करेगा भाई, उसने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरी वीडियो को यूज कर सकते हो, सारे एक ही हैं। ओ Because I will be fucking rich. ये पता नहीं यार, मैंने तो यार किसी को नहीं देखा यार यूज करते हुए यार। इस पे सर्च करूँ क्या? मिस्टर बीस्ट वीडियो रिएक्शंस। अच्छा, मिस्टर बीस मोस्ट हॉट टचिंग वीडियो, मिथ पैटिन, मिस्टर बीस वीडियो, अरे मैक्सिमम बड़े क्रिएटर्स ने यूज़ कर रखी है भाई। ये देखना, रैच ने यूज़ कर रखी है, और इसने मिस्टर बी मिथ पैट ने यूज़ कर रखी है, और तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे। तो ये आई सर्वाइव्ड 7 डे इन अबंडेंट सिटी, तो वही मेरे को तो यही लग रहा है बस। मतलब स्मॉल क्रिएटर्स मतलब तो नहीं दिख रहे मेरे कोई भी रिएक्ट करते हुए। तो उसमें एक्सप्लेन्ड है किसमें? आई क्विट लम्बोर्गिनी वर्सेस ट्रेन वर्ल्ड मोर डेंजरस ट्रैप। थाउजेंड पीपल किसमें एक्सप्लेन्ड है भाई? कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते। यू नो अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ बिग क्रिएटर और बिग यूट्यूबर तो कुछ नहीं कह सकते भाई। कोई भी कभी भी मार के चला जाएगा भाई स्ट्राइक, और भाई मेरी इतने सालों की मेहनत के लोड़े लग जाएंगे भाई। तो दैट आई डिडंट वांट इन टू। मेरी लास्ट चैट देखो क्या लिखा है। नहीं करेगा भाई उसने। हाँ मैंने पढ़ लिया भाई, वो क्या लिखा है? एवोकाडो एनिमेशन ने जो स्पूफ बनाया है वो भी ही देख लो। वीडियो यूज कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि उसने किस लेवल पे यूज करने को बोला, और किस किस क्रिएटर्स को कैसे कैसे यूज करने को बोला है। मिस्टर बीस्ट पॉडकास्ट यूज हिज वीडियो, क्या लिखा है? ये लिखा है नहीं करेगा भाई उसने एक पॉडकास्ट में बोला था। स्पीक स्टिल मिस्टर बीस्ट चैनल अलाउ एवरीवन टू अपलोड हिज वीडियो नाउ। इस पे देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये कहा है कि आप मेरी वीडियो डाउनलोड करके क्लिप बना के कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, टिकटॉक पे अपलोड करें, ट्विच पे आप उस पर रिएक्ट दें, कहीं पर भी मेरी वीडियो डाउनलोड करके उसको री अपलोड करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता कि मिस्टर बीस्ट है कौन, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और इसके यूट्यूब चैनल पे 180 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और ये वर्ल्ड
का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, और अगर इतना बड़ा यूट्यूबर आपको खुद ये कहे कि मेरी वीडियोस डाउनलोड करो, क्लिप्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करो, टिकटॉक पे अपलोड करो, ट्विच पे रिएक्ट दो, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात लोगों को हजम नहीं होगी, वो इधर उधर भागेंगे, देखेंगे कि क्या यार वाकई ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची बात है कि मिस्टर बीस्ट ने ये कहा है कि मेरी वीडियोस कहीं पे भी अपलोड करो, शॉर्ट्स वीडियोस बनाओ और उनके क्लिप्स बना के कहीं पे भी अपलोड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। जो कुछ मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ बहुत से लोगों को ये बातें झूठ लगेंगी कि कैसे इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर आपको ये परमिशन दे दे कि यार मेरी वीडियोस डाउनलोड करके कहीं पे भी आप अपलोड कर सकते हो, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, क्लिप माय वीडियोस, रिएक्ट टू माय वीडियोस ऑन योर ट्विच स्ट्रीम, योर व्हाटएवर स्ट्रीम, क्लिप माय वीडियोस, पुट इट ऑन टिकटॉक, आई डोंट केयर, जस्ट मेक श्योर यू गेट व्यूज। ये उस पॉडकास्ट का क्लिप है जिसके अंदर माय वीडियोस, रिएक्ट का सबसे बड़ा यूट्यूबर आपको ये परमिशन दे दे कि यार मेरी वीडियोस डाउनलोड करके कहीं पे भी आप अपलोड कर सकते हो, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, क्लिप माय वीडियोस, रिएक्ट टू माय वीडियोस ऑन योर ट्विच स्ट्रीम, योर व्हाटएवर स्ट्रीम, क्लिप माय वीडियोस, पुट इट ऑन टिकटॉक, आई डोंट केयर, जस्ट मेक श्योर यू गेट व्यूज। ये उस पॉडकास्ट का क्लिप, ये किसका पॉडकास्ट है? Just put it on TikTok. I react to my videos on your Twitch stream, your whatever stream. Clip my videos, put it on TikTok. I don't care. Just make sure you get views. तो फिर तो मैं भी प्रॉपर वीडियो डाल सकते इसकी तो। फाड़ा लफड़ा चलो फिर, बाय 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 बाय। तो देखें नहीं यार, अभी तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ यार, कंफर्म कर लेता हूँ मैं मे बी इसने मे बी ये भी तो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, ये भी तो उसने ट्विच बोला है और इंस्टाग्राम बोला है और स्ट्रीम बोला है, मतलब वट एवर स्ट्रीम, मतलब प्रॉपर उसने यूट्यूब तो नहीं बोला उसने, तो एक बार मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा देख करके आराम से, तब मैं हाँ बोल सकता हूँ मैं। अभी तो मैं रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, वही वाला सीन है। नहीं है भाई, नहीं नहीं, नहीं। अभी तो नहीं कर सकते भाई, ऐसे डायरेक्टली तो टाइम और चेस और मेड, ओ ये देख सकते हैं, ओ चेस और मेड ओपन है मत, ओपन है मैं देख सकती है मैंने, मस्त हो गया वो, ओ भाई चेस के पीसेस कैसे बना रहे हैं वो देख रहे हैं अपन लोग, ये तो कोलकाता में ही बनती हैं पता है, ओ तेरे को पता होगा भाई, मुझे नहीं पता ना, ये बोर्ड बनाने के लिए काट रहे क्या ये वाइट वाला,
अरे इसने तो मास्क भी यूज नहीं कर रखा। इसके मुंह में डस्ट पार्टिकल नहीं जा रहे होंगे, मतलब जो जो भी मार्बल का ये प्राइस बहुत होती है। कितना प्राइस है? आई थिंक तो बोर्ड बना रहे शायद मेरे ख्याल से, तो ये चेस का बोर्ड। अब देखना मिट्टी जैसे ये ग्लू से चिपटेगा। ओ ब्लैक वाला किधर है? तो एक जगह पे व्हाइट व्हाइट रखे हैं बस ये। ओ ये रहा ब्लैक। ओहो कितनी मिट्टी उड़ रही है भाई इधर से, कैमरा भी खराब हो जाएगा साले का। सीमेंट यूज कर रहे हैं, ग्लू यूज कर रहे हैं पीसेस। लास्ट में व्हाइट होता है क्या? ओ से कमेंट देखना। हाँ हाँ देखूंगा देखूंगा। कुछ ऑड सा ही लग रहा है, इस वाले कॉर्नर में वाइट है, उस वाले कॉर्नर में भी वाइट है, तो मेरे को मे भी शायद ब्लैक ब्लैक होता है ना शायद कॉर्नर शायद। ये क्या है? दो बूंद जिंदगी की वॉलेट ड्रॉप ला रहा है इनको ये। ये बोल्ट क्यों लगा रहा भाई? वो पीस बनाएगा किससे? क्वीन बना रहा है, क्यों बना रहा है? पॉन की पीसेस बना रहा है, बड़ा छोटा बनाया इसने। बिशप बनाया गया इसने। ओह हाँ बिशप बनाया भाई, एक बिशप एक पॉन।
वीडियो का जो ऑफिशियल बोर्ड है लकड़ी का, वो भी यहाँ ही बनता है। वीडियो देखना, वुडन इज बेटर। ओ ये क्या बना रहे, ये रूप बना रहा है क्या? अच्छा ये ग्राइंडिंग कर रहा है। ठीक है अरे मार्बल वाला तो यार बेकार होता है यार, मतलब वो फील नहीं आता यार, वो इतना बड़ा होता है और लकड़ी रहता है, फोल्ड करके कहीं छोटा कर लो उसको। हो गए तो भाई ठीक, पर ये टूट जाएगा बहुत जल्दी। ओ ये तो काफी बड़े बड़े हैं यार, ये तो पीसेस तो काफी बड़े बड़े थे भाई। ये पूरा मार्बल का सेट है, तो वीडियो वाला कहाँ, वीडियो चेस मेकिंग अब वुड वाई चैंपियन सेट एक्सपेंसिव, ये वाला क्या बिजनेस इनसाइडर है, ये वाला है चीटर। आई थिंक फर्स्ट वाला है ना, हाँ फर्स्ट वाला ही है। With every shaving and small incision, master हाँ भाई इसमें तो भाई पूरी क्राफ्टमैनशिप लगती है भाई, पूरा काम करने में। A plastic set for $20, but a wooden set certified for the World Chess Championship costs $500. Much of the value of a high-quality set comes down to how well just one piece is made. The knight. There are less than 10 people who are trusted to carve the knights for the official World Chess Championship sets. So how are these chessmen made? क्या बात कर रहा भाई? 10 लोगों को बस authority बस बनाने की। भाई। At this factory in Amritsar, India, artisans carve the pieces for the official World Chess Championship sets. And the factory produces only 250 of them each year. Artisans train over 4 to 5 months, learning to masterfully shape each figure. These small blocks of boxwood were once large trunks, dried for 3 to 6 months, cut down, and shaped to the necessary size. Okay. Each block is attached to a lathe, which turns the block rapidly before artisans begin to carve. Artisans use particular steel tools, called cutters, designed to make the proper cuts and overall shape of a chessman. Once the cutter makes contact, it immediately changes the wood. Oh. And any slight misstep could ruin the final shape of the piece. Aujari bilkul different hai bhai. Equipment. No piece is more difficult to produce than the knight. While other pieces are carved in just a few minutes, a single knight takes 2 hours to produce. अरे हाँ उसमें भाई बिल्कुल ही आराम से हर एक चीज बना रहे हैं। 10 लोग
और मान ले 10 में से मर गए सारे साल हो गए सारे बड़ी मेहनत से काम सिखाया जाता है 5-6 साल हो गए काम सीखने टाइम लगा Compare that to the 4 to 5 months it takes an artisan to learn how to carve the other chess pieces. But unlike these other chessmen, the knight isn't an abstract representation of a medieval figure. It's designed to look like a realistic horse head. It's the most detailed of all the pieces. Each carving is intentional, from the hair on a knight's tail to the curve of its neck. ਪੂਰੀ ਗਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪੈਲ ਹੀ ਛੱਡਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ The quality of the final piece largely depends on the skill of the artisan. A top quality knight must be completely symmetrical. ਪੇਪਰ ਰੇਖਮਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਕੰਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਸਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਓ But it's just as important that all four knights in the set look totally uniform. Otherwise, the set altogether won't be nearly as valuable. According to the House of Staunton, a large manufacturer of chess sets, a set of finely carved knights can represent up to 50% of the total cost of the chessmen. The other chessmen have specific height and width requirements, designed by architect Daniel Whale. The king must be the tallest, at 95 millimeters, and have a base that's 39 millimeters wide, the largest of them all. The pieces have defining characteristics, like the king's crown, or the refined jewel at the top of the queen's coronet. These distinct features require more time and effort for the carver. The king's crown in a championship set should have 8 small cuts and be slightly rounded along the edges. Compare this king to the king of a regular set, which has a much simpler, straight-edge design. Championship or tournament Pieces with even simpler designs than that, like a rook, take these artists 7 times longer to produce compared to regular chess sets. Chessboard. If the chessman is like of a championship set, then we are only able to make 25 to 30 kings in a day because it's a very special design. If we are talking about making chessmen for tournament players, which are used in vast quantities, then a carver is even able to make 200 to 250 chess kings in a day. But the design of these chess pieces isn't solely aesthetic. It can actually affect the outcome of a game. Each piece must be the correct height. The king being the tallest, followed by the queen, bishop, knight, rook, and pawn. Wooden के हैं मेरे पास. The detailed features are also essential. By lowering the chances of player making a mistake. उसका जो head है वो इतना ऐसा नहीं है. जिसका हाँ पर crown बना रखा है. पर जो ये रहा hood है ना वैसा नहीं है. The chessmen were round. Some of them were spiral. The knights were not even carved in the shape of a knight. अब दिख रहा है. In this form you can see the kings properly, the knight. Very distinguished. The bishop has a mitre cut. The queen's is very sharp. So you can easily distinguish between all the 6 pieces. This is known as the Staunton design, the only style allowed in international competition today. Pieces used in the championship match have an electronic coil, making it possible to track and broadcast each player's move. A full set with this tracking component costs about $700 more. The weight of each piece, along with a felt bottom, are 2 more significant factors that affect the game. Both make the chessmen easier to use, effectively upping their value. If the pieces are properly weighted, then they do not fall while you are moving the pieces on the boards. And also it gives a very nice and a special feel to a chessman. Some chessmen must be dyed black and dried for 10 days. All of the pieces are buffed and polished 3 times before they're assessed for quality. Chess has been played for over 1,000 years, with some form of the game first appearing in India around the 6th century. Over the past 2 centuries, high-level competitions have drawn international interest in the game. Today, tournaments continue to keep the game popular, as do displays of these competitions in the media. The release of the limited series, Queen's Gambit on Netflix sent sales of chess sets skyrocketing in November 2020.
And although this demand is a positive for the industry, it also poses a challenge to chess producers like Aditya. It is very difficult to find good quality skilled carvers for manufacturing chessmen. And even after 4 to 5 months, 6 months, we don't know if the carver would be good enough to carve nice chessmen. So nobody wants to spend so much of time and realize that he was not able to carve the desired quality of chessmen. Without enough experienced carvers, these sets could become more difficult to produce. And it's fair to expect that $500 sets like these, and similarly hand-carved ones, could get even pricier in the future. Oh. Obviously, if someone doesn't want to make it, then people will make it limited, then it will happen. क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड। तो इसका सेक्स कराते हैं भाई। इसका करा देते हैं आज। यार वचल और डोपर का बच्चा होगा तो दोनों के फेस टैट्स मिक्स हो जाएंगे। मेरे ओके। वचल मेरे भाई। वचल, बेटा कैमरा खोलो यार। भाई रिएक्ट तो नहीं कर सकते इस पे हम। आई एम दैट मॉन्स्टर। बकलो न्यू, हाय ब्रो, हाय हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। इस पे एनिमे क्लाउड का देखो फिर। एनिमे क्लाउड वाला स्ट्राइक नहीं मारा है क्या? अरे आज मैच भी तो था शायद, चेस का गेम चल रहा था ना शायद आज। तो हिकारू का नहीं, आई थिंक जब मैं शायद स्ट्रीम स्टार्ट नहीं की थी उससे पहले चल रहा था। वुड वर्किंग आर्ट फ्रॉम स्कैप वुड। अरे ये वाला तो सेक्सी लग रहा है, ये वाला पीस तो। ये वाला चेस बोर्ड तो भाई सेक्सी लग रहा था, मतलब थंबनेल में तो। बाकी आगे नहीं कह सकता भाई मैं। ओके, थोड़ा पास फॉरवर्ड करके देखेंगे इसको। अरे मतलब मेन कहां से आएगा वो देखना है। कटिंग, ये बोर्ड मेकिंग, ओ अब स्टार्ट हुआ ना। बन गए तो पूरा कैसे कैसल टाइप बनाएगा ये तो मेरे ख्याल से। ओके 2x कर दो।
ग्राइंडिंग हाँ अनइवन सरफेस को ओके अच्छा इसके ऊपर रखने के लिए ठीक है कुछ ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा अब ये क्या बना रहे ओ अच्छा ये है फूड भाई इसको लेके कौन जाता हुआ इतना ग्लास चेस बोर्ड सर्च करना ग्लास वाला तो भाई बहुत डेलिकेट हो जाता होगा बिल्कुल ये बना क्या रहा भाई इतनी देर से अच्छा सिर्फ चेस के पीसेस रखेगा ठीक है ओहो समझ गया लॉक है क्या इसकी आवाज भी अजीब सी लगी अंग 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 ओ बन गया क्या अच्छा स्प्रे आएगा अभी काफी बड़ा हो गया भाई तो लॉस डैशबोर्ड ये मिकी अनबॉक्सिंग है तो ग्लास चेस सेट मेकिंग कौन सी वाली है पहला वाला ही देखते भाई पहला वाला हेलो एंड वेलकम बैक आई विल बी डूइंग अरे 42 मिनट्स की भाई तो भाई बहुत बढ़िया तो ये भी 20 मिनट्स की है
शॉर्ट्स देख लेते हैं, शॉर्ट्स में बनाना थोड़ा दिखाएंगे। ये क्या है? ऑटोमेटिक चेस बोर्ड। आई थिंक एक एक वो वाला वर्जन भी तो आया था शायद कि वो करंट मारता है, आई थिंक कि रॉन्ग मूव पे। इज थर्मोमैक्स इंडियन? पता नहीं भाई, मैं तो नाम ही क्या है, द मरमेस मरमेस स्किल्स, द मरमेस स्किल्स कौन है? मैं नाम ही पहली बार सुना है। ग्लास्टर्स, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं यार, टूट जाते हैं गिरते ही। लकड़ी वाला तो कितने बार भी गिर जाए तो टूटते नहीं है वो। ये कितने फिल्म प्रोडक्शन लगा रखी है। चिपकाना भी है क्या? द मॉर्मेड स्किल्स, नहीं पता भाई मेरे को। अरे ये भी सही है, वर्ल्ड्स कूलेस्ट सेट। सेट तो है पर बोर्ड कहाँ है? Okay, tell me you have the world's coolest chess set without telling me you have the world's coolest chess set. This is the Rook Tower. You store the pieces on the shelf. It has a flexible playing board. How cool is that? Guys, thanks for watching. For more fun, it's here at Toon Desk. Okay. शॉर्ट्स बनाता है। अच्छा एक मिनट देखता हूँ, मरमेड स्किल्स किस टाइप की शॉर्ट्स बनाता है? ये तो वो लग रहा है, मैं तो ये तो लड़की है बे। कहाँ की है? यहाँ पे लिखा तो रहता है भाई कि इंडिया का है। आई एम जस्ट अ वीब दैट लाइक एनिमे के ड्रामा एंड गेम्स। सॉस बनाता है, बनाती है तो। इसमें पॉपुलर वाले देखेंगे। Fake blood me, look at the window. I think you already think output that I wore in Korea. Oh. No. ये क्या भाई? अच्छा ब्लेंडर पे बना रखा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं को भाई इन रियल लाइफ बना रखा हो भाई। या आई मीन बनाती है। ओके
आई ट्रेन लाइक चेस मास्टर, 9 मिलियन व्यूज पैंचोद भाई इस वीडियो पे देख रहे हो, 9 मिलियन व्यूज है भाई। On this episode of Challenge Accepted, I am going to see how good I can get a chest in just 30 days. Starting from ground zero, I'm going to be trained by some of the top chess players in the world. And at the end of this video, I will be competing in PogChamps 3, an actual chess tournament against some of the biggest streamers on the platform. Challenge Accepted. Nile Red. Hey, time kya ho gaya yaar? Ori, ghum ja. 11 baj gaye. अरे 3 ही लाइक आए भाई स्ट्रीम पे अभी। कोई नहीं भाई, 3 लाइक, 1 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ है बस। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, होगा होगा होगा, अपने भी दिन आएंगे भाई, यही दिन तो याद आएंगे भाई, यही दिन तो याद आएंगे। ये क्या गन है क्या? सिमोनोव कार्बाइन सिस्टम। ओ मार पाएगा ये? वो काम आ रहा है इसने तो। आई एम नॉट ब्राजीलियन वाला शॉर्ट्स देखना। ओके एक मिनट मिनट जस्ट वेट। आई एम नॉट ब्राजीलियन। ओके ये तो वीडियो है भाई। बट दिस सॉन्ग, ये तो डांस आ रहा भाई। तो We're not Brazilian. We don't speak Portuguese. But this song is fire. Enquanto pares, eu vou acabar contigo. We're not Brazilian. लड़की तो सेक्सी है भाई। 2-3 देख के कौन सा अच्छा लगा बोलना। अरे बैक हो जा साले। ये वाला देखिए क्या? We're not Brazilian. We don't speak Portuguese. But this song is fire. Enquanto pares, eu vou acabar contigo. É. ये तो मल्टीपल चीजें सुना रहा है, ये वाला बेकार था। ओरिजिनल आफ्टर रिमिक्स। इसमें डांस सही लग रहा था बस, बाकी तो मुझे सही नहीं लग रहा। I don't speak Portuguese. I can't speak English. Dale mamá con tu tacata. हाँ वो पता है मुझे, पर वो कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आ जाती हैं। अरे इसमें डिफरेंट डिफरेंट आया। एक मिनट जस्ट जस्ट जस्ट
You can press down arrow. All right, guys, that's it for today. बाकी कल मिलते हैं भाई. 3 लाइक आए स्ट्रीम पे बस और 50 व्यू आया बस. बहुत ही कम है भाई. ये तो भाई डाउन डाउन होता जा रहा है अपना सिस्टम. सिस्टम डाउन होता जा रहा भाई. क्या है शांति. एक लास्ट गेम खेल के जाता हूँ मैं. रुक जाओ. एक लास्ट गेम जस्ट 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 वन लास्ट गेम मेरे को खेलने का भाई. आई डोंट नो व्हाई बट अपने को खेलने का है. रिमूव ये लगा दिया आग लगा दी भाई. हाँ एक मिनट हो गया कनेक्ट. अरे क्या हो गया भाई लोड क्यों हो रहा है. इतना टाइम क्यों लगा रहा है लोड होने में. हाँ इतना टाइम क्यों लगा रहा है लोड होने में. क्या चाह रहा है भाई बिरादर. लूज माइनस 8. ओके कोई नहीं भाई. ओ गलत मूव चल दिया आई थिंक मैंने. तोम्बा 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 क्या चला इसमें ऑन. हा 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 मैं हूँ ये कुर्ता रोबोट डोरेमोन. क्यों आंदी है मैनू तेरी याद. क्यों आंदी है मैनू तेरी याद. ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ. ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ. ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਗਾਣੇ. ਅਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ. ਆਈ ਰੀ मेरे को तो फूल ही फूल दिखते जी. आप बोलती हैं तंबूक चला. मैं सोचता हूँ इन फूलों की एक सुंदर सी पेनी बनाऊं और आपके जूड़े में लगा दूं. ओए होए मेरे थैल भवर. कई बार आंदी है तेरी याद. कई बार आंदी है तेरी याद. तंग कर दी है मैनू सारी रात. तंग कर दी है मैनू सारी रात. कई बार आंदी है तेरी याद. कई बार आंदी है तेरी याद. तंग कर दी है मैनू सारी रात. तंग कर दी है मैनू सारी रात. दस तैनू किदा भुल जावानी. दस तैथों किदा दूर जावानी. तो फिर टूट जाएगी.
अरे मेरा मुंह है क्या? मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया, अब कैसी लगती है कमोजी? तुम्हें कैसी लगती? केड़ी दुनिया तो आई मैनू दस जा, केड़ी दुनिया तो आई मैनू दस जा, केड़ी दी लबदियां मैनू दस जा, नहीं ते की लबदियां मैनू दस जा, केड़ी दुनिया तो आई है तू दस जा, नहीं केड़ी दुनिया तो आई मैनू दस जा, केड़ी दुनिया तो आई मेरी बस जा, नहीं मेरे दिल विच इस वरी बस जा, नहीं केड़ी दुनिया तो आई मैं तू दस जा, केड़ी लहू मेरी ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣੀ, ਬਣ ਲਹੂ ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ। मुझे नहीं करना फ्लैक्स पर ये बंदी है, गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के मानो रट के बैठी, मेरे वर्ड से सारे बंदी बॉयकट रैपर इस पे लाइन है, लड़कों की प्रगाती गाने सिर्फ मेरे वाले। भाई सच में बोलूं तो ये बंदी सेट ना, ये भूखे माल और ना ये कट्टी टाइट, मेरा दिल भी देख पूछे कौन है भाई, मैं कहता भाई टू भाई ये तेरे भाई की सेटिंग है, तेरे भाई की सेटिंग है, तेरे भाई की सेटिंग है, तेरे भाई की सेटिंग है। देख के पिघल सा जाता मैं, फिकर उनकी जो रहे तेरी गलियों में, हाँ जी रहती तू बंद कमरों में से, कभी देख ले खुद को शीश में, हाँ जी नजरें उतार शीश से, आके ऐसे जैसे कंचे और कहती है, वाकई सारी अब लगती है फीकी सी, तू ही तू और तू ही अंजीर सी, रहता था बहका पर तेरे दीवानों से, डरता था थोड़ा सा थोड़ा तो मैं भी, अब तेरे दीवानों सा रहता हूँ, बहका तेरी कंचे सी आंखों में रहता हूँ बहका सा। महारानी जैसी तू बन खाती जाती है, महारानी जैसी तू मुझे समझ में आती है, आना जाना लगता जाना लगता आना जाना लगता आना जाना आना जाना लगता आना जाना आना जाना लगता। आज की शाद चश्मे रह काली, हाँ जी पर इन उसूलों का मैं बन चुका कातिल, इन उसूलों की है खुद से जाली, हाँ जी
तू जानती है क्यों नाम तेरा जानता नहीं जानना हूँ चाहता लेकिन पूछ नहीं पता शिट जानता नहीं क्यों ये प्यार था या मो I'm confused जो लाइन आज कर राइम रहा करी ना महसूस तुझे देखने से पहले और देखे बिना शायद फिर ना हो पाए महसूस ये नशा तुझे देखने से पहले तभी याद तेरी जान समझता पसा एक रखू तुझे छुपा के महफूस अब तू प्यार तेरा जान ले मुझे सब है कबूल मुझे सब है कबूल शौक नहीं है कर्म में जादू देखा तभी पीछे अरे महारानी जैसी तू बल खाती जाती है महारानी जैसी तू मुझे समझ में आती है महारानी जन तू महारानी जैसी तू बल खाती जाती है महारानी जैसी तू ਬਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ Thank you.
अरे क्या फायदा टाइटल क्या उसका जॉनी अनप्लग्ड। आम जय मुंडे मित्रोज ये चला गया कि ना चेर थी 7 days stranded in island वो न्यू 10 मिनट कितना चिर ते मैं दिल च लुका के रखिया कितने वखे ना हो जावी मैं तो तू तेनु साहा दी लड़ी च मैं पर के रखिया कितने साहा तो ना हो जावी तू दूर बैंड चोट मैं
भी संग दा तू भी संग दी के मैं भूलना तो कहावा जो मैं चावा तू भी मंग दी जिंद ना तेरे लावा कि चेरे तेनू दिल च लुका के रखे चेरे तेनू दिल च लुका के रखे अज जाननी मैं जान तेनू देना कल संग वाली सारी मैं मिटा देनी फोटो दिल ते कोने च जो लुका के सी मैं रखी अज अखां दे सामने खड़ा देनी तकदा ही चावा इना तेनू चावा नजरां तेरे तो ना हटावा मैं तेरा इंज शर्माउणा अखां नू चकाउणा तेनू देखदा ही किन्ना चेरे तेनू दिल च लुका के रखिया किन्ना चेरे तेनू दिल च लुका के रखिया जिथे तेरा रखा जा पर जाना दिल बस विच रिया ना आनने नी तेरी अज करवाउणी हां तू भी यार मना नू लको के रखिया अज प्यार दा तू कर इजहार किन्ना चेरे तेनू दिल च लुका के रखिया किन्ना चेरे तेनू चली हसीन कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना मैं जदो तेरे मोडे उत्ते सिर रखिया ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगन गिया फे बालियां गला नाल जदो टकराइया वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे तेरे बिन तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन चला गया नखरा सारे घूम के बैठे अमरीका रूस मलेशिया ना कि कोई फर्क सी
हर किसी की कोई शर्त सी कोई मंगता मेरा सी समा कोई होता सूरत ते पिता कोई मंगता मेरी सी वफा ना तू मंगता मेरिया पला तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरिया पला तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप बिच छा तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा जिवें रुकिया सी तू सारा नहीं बलना मैं सारी उम्र जिवें आखिया सी अखा चुरा रोवेगा सानू याद कर हसया सी मैं हसा अजीब पर तू नहीं सी हसया दिल बिच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं दसया तेरे बिन सानू एह राज किसे होर नहीं दसना तेरे बिन पीड़ दा इलाज कैस वैर को तो लबना तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लबना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा मिलिया सी अज मैनू तेरा एक पत्रा लेके आसी जिस ते शेर बारे शादा पढ़ के सी उसनू हंजू एक दुलिया अखां च बंद सी ऐ राज अज खुलिया कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू किसे हो नहीं चाहना कि तेरे बिन मेरे हंजू मिट्टी बिच रोलना तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे सानू सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई हो इधर क्या सुन रहा है कौन ना खोना ही है
यही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही अरे यार हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही तुमसे ही ऑल राइट गाइज, एक मिनट दैट्स इट फॉर टुडे। अगर भाई स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो भाई स्ट्रीम को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं भाई कल नई गेम के साथ, है ना। चेस में तो अपनी गांड मरा चुके हो भाई, चेस में व्यूज ही नहीं आ रहे बेइंचूद बेइंचूद। चलो एंजॉय द सॉन्ग ब्रोस। इंतजार किया बच कर चाल शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ, अब तो महंगा हो गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ, पर्दा उठा देख मेरी आँख, जलन से नहीं जलती ये आग, मुट्ठी बंद रख सर में ठंड रख, अब दिखाऊं जन्नत का रक्षक, भटकता रहा जैसे नदी संस्कार, फिर देखता है पैसा कोई लेता उधार, अपने तो सबका हुआ दाह संस्कार और